हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशीष कुमार में आपका। और मैं इस पे ज़्यादातर बजीज वगैरह के ज़्यादा वीडियोस डालता हूँ। तो आज मेरा टॉपिक है स्प्लेड लेग्स। स्प्लेड लेग्स जो हो जाते हैं, ये ऐसे खुल जाते हैं पैर बजीज के बच्चे के, साइडों में चले जाते हैं। और ये मेरा पहला नर है बजीज। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे एक बजीज बेबी है, मगर ये फुल साइज़ हो गया है, इसलिए मटकी से बाहर आ चुका है। ये इसकी मदर है, ये फादर है, बट इसके लेग्स बिल्कुल स्प्लेड है, ये आप देख सकते हैं। वैसे ये देखिए, मैंने इसका इलाज भी करने की कोशिश करी थी, जैसे वो पाँव वाम लगा देते हैं, बट इसकी टांगों में बड़ा चखम सा हो गया था तो मैंने छोड़ दिए थे। और मेरे को ज़्यादा देर में पता चला कि इसकी टांगें ख़राब हैं, तो मैंने इसका छोड़ दिया ऐसे ही। बट ये फ्लाई तो करता है, मगर ज़्यादा नहीं कर पाता, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ये कैसा है। इसके बिल्कुल पर बॉडी पे तो आए नहीं है, पर वैसे आ चुके हैं, बाल नहीं आए, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं इसके। तो ना इसको ज़्यादा तंग करते हुए मैं इसको वापस रखता हूँ, फिर वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ये एक रेड आइज़ है, बहुत प्यारा बच्चा है, नर है ये। ये वीडियो इसी पे बनाई है मैंने कि जो मादी होती है उसके हम एग्स देखते रहते हैं कि भाई हाँ, जिसने इतने एग्स दिए हैं, ये मादी हमारी जो मटकी में बैठी हुई है, इसने 6 एग्स दे रखे हैं। अब कई बंदे भाई, जो हमने भी गलती करी है वो मैं आपको बता दूं कि जैसे इसने एग्स दिए हैं इस मादी ने, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई 2 ख़राब है, 3 ख़राब है, 4 ख़राब है, तो आप उनको निकाल देंगे। फिर होता क्या, एंड में एक बच्चा बचता है, तो वो मादी सोचती है कि हाँ भाई इसको तो सुरक्षित बचाना है, इसको सही से बड़ा करना है, तो बड़ा करती है, उसी पर बैठी रहती है। इसके वजन से ज़्यादातर ये टांगें इनकी ऐसी हो जाती हैं, देखिए वो चौड़ी चौड़ी टांगें हो जाती हैं। वही गलती मैंने करी थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं कि आप भी ना करें। जैसे उसने 3 अंडे दिए हैं, आपको लग रहा है कि हाँ भाई फर्टाइल नहीं है, तो फिर भी उनको आप उसके नीचे छोड़ दीजिए। अगर वो टूट गया है, हाँ तो मटकी साफ़ कर सकते हैं, मटकी में से टूटा एग शेल निकाल सकते हैं, बट जैसे साबुत अंडा है तो उसको उसके अंदर ही रहने दीजिए, ताकि पूरा बच्चे के ऊपर वजन ना आए, अंडे पर वजन रखे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट बची अंडे पर रखे, ताकि बच्चे की टांगें ख़राब ना हो। कई बार ये कैल्शियम वगैरह, विटामिन वगैरह की वजह से भी हो जाता है, और इसने शायद ये जल्दी इसका 10वां, कम से कम 10वां अंडा था इस मादी का, कम से कम 10वां अंडा था, इसलिए इसमें कुछ कमी आई है। बट ये जो कमी है, ये इस मादी के बैठने की वजह से ही हुई है, स्प्लेड लेग्स जो हुई है इसके। और ये इसका जो मेल है, ये इसको खिलाता रहता है, सुबह शाम जब भी मैं देता हूँ खाना, ये इसको फीड करा देता है। 3 दिन हो चुके हैं इसे मटकी से बाहर आई, ऐसे ही खड़ा रहता है यहाँ पे, या तो जाली पर लटका रहता है। इसकी जो मदर है, ये दोबारा मीटिंग पे है, और आई थिंक ये करेगी दोबारा मीटिंग, बट देखिए क्या होता है। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स। और ये देखिए मेरे यहाँ 2, एक ग्रीन बजीज वाइल्ड और एक यह जो ब्लू वाइल्ड बजीज होती है उसके बच्चे हैं, ये भी इसी मेल के बच्चे हैं। और ये जो मेल बैठा है, ये भी इसी मेल का बच्चा है, और उसने वहाँ एग्स दिलवाए थे अपनी मादी के, वो उसी के पास बैठा रहता। और एक इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये मेरा जो सेटअप है ज़मीन पर है, बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं, फ्लोर यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये फ्लोर पे है, बिल्कुल ज़मीन पे। कई लोग कहते हैं इनको आसमान पे, छत पे रखिए, खाली कमरे में तो है, बट ये स्टोर टाइप बना रखा हमने यहाँ कमरा, इसमें ये फ्लोर पे ही हैं। और इन्होंने पहली ब्रीड कर चुके हैं अपनी, मतलब इससे पहले एक ब्रीड ले चुका हूँ मैं इनसे, एक बच्चा ही निकला था बस, मगर निकले थे। तो ये कोई वो नहीं है कि आप इनको हवा में रखेंगे तभी कोई अंडे देंगे, इनको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है,
वो इनको मिली हुई है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था, जो स्प्ले लेग्स जो इनके हो जाते हैं वो किस तरह होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और अपने दोस्तों को भी बताएं कि कैसे बचा जा सकता है इन लेग्स, स्प्ले लेग्स से। शुक्रिया, बाय, शुभ रात्रि।